नमस्कार, आज हम नर्सिंग कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स यहाँ पर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एनाटॉमिकल फीचर प्रीडिस्पोजेस टू ओटाइटिस मीडिया इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो ओटाइटिस मीडिया ईयर का इन्फेक्शन होता है उसके लिए कौन सा एनाटॉमिकल फीचर उनमें होता है जो कि उसके लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बनता है, जिसमें कि उसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है यूस्टेशियन ट्यूब, दूसरा है नेजोफेरिंग्स, तीसरा है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड फोर्थ वन है एक्सटर्नल ईयर। तो इसमें हमारा आंसर होगा यूस्टेशियन ट्यूब। इसकी वजह से बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं ओटाइटिस मीडिया के। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट फाइंडिंग सजेस्ट ए फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट इन इन्फेंट। इन्फेंट में जो फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट है उसमें इनमें से क्या सजेस्ट करेगा, इनमें से क्या होगा जब हमें पता लगाएंगे कि फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट हुआ है। तो पहला हमारा ऑप्शन है ए संकन फोंटेनल, दूसरा है इंक्रीज्ड बीपी, तीसरा है लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड फोर्थ वन है डिक्रीज्ड पल्स रेट। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर होगा ए संकन फोंटेनल। फोंटेनल जो हो वो संकन हो तो उसका मतलब होता है फुल फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्सिंग ऑफिसर नोज दैट वन इंडिकेटर ऑफ हाई रिस्क सुसाइड इन ए सीवियरली डिप्रेस्ड एडोलेसेंट। सीवियरली डिप्रेस्ड एडोलेसेंट है उसमें हाई रिस्क ऑफ सुसाइड का इनमें से क्या इंडिकेटर होगा, तो पहला है डिप्रेशन, दूसरा है एक्सेसिव स्लीप, तीसरा है हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल यूज़ और फोर्थ ऑप्शन है ए प्री ऑक्यूपेशन विद डेथ। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा, इन चारों में से ऑप्शन होगा ए प्री ऑक्यूपेशन विद डेथ, मीन्स वो डेथ के बारे में, सुसाइड के बारे में पहले कुछ बात कर चुका है तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डेनेवर डेवलपमेंटल स्क्रीन द मीडियन एज फॉर वॉकिंग इज, जो डेनेवर डेवलपमेंट स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग जो मीडियन एज होती है वॉकिंग की बच्चों में वो क्या होती है, किस एज पे वो चलना शुरू कर देते हैं। इनके ऑप्शन हैं 12 मंथ, सेकेंड है 15 मंथ, थर्ड है 18 मंथ एंड फोर्थ है 9 मंथ। तो इसका आंसर होगा 12 मंथ पे, अधिकतर जो बच्चे हैं वो 12 मंथ पे चलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट कॉजेज प्री मैच्योर डेस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। प्री मैच्योर डेस्ट्रक्शन हो जाता है आरबीसी का, तो वो कौन सी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, तो पहला ऑप्शन है हाइपो होमोसिस्टिन यूरिया, दूसरा है फिनाइल कीटोन यूरिया, तीसरा है G6PD एंड फोर्थ वन है सीलिएक डिजीज। तो इसमें से ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर होगा G6PD डिजीज़। इसमें क्या होता है, G6PD में RBC का प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेस्ट पोजीशन टू कीप ए क्लाइंट आफ्टर लंबर पंक्चर इज। एक व्यक्ति का या एक पेशेंट का लंबर पंक्चर हुआ है तो उसके बाद में उसको कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, कौन सी पोजीशन बेस्ट रहेगी उसके लिए। तो हमारे पास ऑप्शन है पहला सुपाइन, दूसरा प्रॉन पोजीशन, तीसरा सेमी फाउलर पोजीशन एंड फोर्थ लेफ्ट साइडेड पोजीशन। तो इसका आंसर होगा सुपाइन फॉर सेवरल आवर्स टू प्रिवेंट ए हेडेक। सुपाइन पोजीशन देंगे कई घंटों तक जिससे कि उसके हेडेक नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेस्टीन ओनली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और मिनी पिल यूज में इंक्रीज द पेशेंट रिस्क फॉर। यदि मिनी पिल कोई पेशेंट यूज़ कर रहा है तो किस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो पहला ऑप्शन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दूसरा है एंडोमेट्रियोसिस, तीसरा है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड फोर्थ है फीमेल हाइपोगोनेडिज्म। तो इसका आंसर होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज प्रोजेस्टीन क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है ट्रांसपोर्ट थ्रू द फैलोपियन ट्यूब,
जिसकी वजह से क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड द नर्सिंग ऑफिसर मॉनिटर फ्लूड इनटेक एंड आउटपुट क्लोजली ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज इट कॉजेस। एक फीमेल है, उसके ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उस वक्त जो नर्सिंग ऑफिसर है उसको उसके फ्लूड इनटेक और आउटपुट क्लोजली क्यों मॉनिटर करने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या कॉज कर सकता है? पहला ऑप्शन है वाटर इंटॉक्सिकेशन, दूसरा है एक्सेसिव थ्रस्ट, थर्ड वन है टॉक्सिक टू किडनी एंड फोर्थ है डायूरेसिस। तो इसका आंसर है वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन सोर्स ऑफ रेडिएंट हीट लॉस इन ए नियोनेट ट्रांसफर टू द नर्सरी। एक नियोनेट है, बच्चा हुआ है, उसको ट्रांसफ़र करना पड़ा है नर्सरी में, तो उसका जो कॉमन सोर्स होगा रेडिएंट हीट लॉस का वो क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है कूल इनक्यूबेटर वॉल्स, दूसरा है कोल्ड वेट स्केल, तीसरा है कूल रूम, फोर्थ है लो रूम टेम्परेचर। तो इनमें से क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा कूल इनक्यूबेटर वॉल। जो इनक्यूबेटर है उसकी वॉल यदि कूल होती हैं तो उससे जल्दी रेडिएंट हीट लॉस हो जाता है, जो कि बच्चे के लिए सही नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिस्ट्री फाइंडिंग इज ए रिस्क फैक्टर फॉर CVA। जो सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट होता है उनके लिए कौन सी हिस्ट्री है जो कि रिस्क फैक्टर का काम करती है? तो पहला है ओबेसिटी, दूसरा है ब्रोंकियल अस्थमा, तीसरा है फीमेल और फोर्थ है ऑल अबव। तो इनमें से क्या होगा जिसमें CVA के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे होने के? तो इसका आंसर होगा ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से CVA के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्सिंग ऑफिसर मस्ट लॉग रोल ए क्लाइंट फॉलोइंग ए। किसके बाद में किसी क्लाइंट को लॉग रोल की ज़रूरत पड़ती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा लेमिनेक्टोमी, दूसरा है थोरेकोटोमी, तीसरा है हेमेरोइडक्टोमी और फोर्थ है सिस्टेक्टोमी। तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्सिंग ऑफिसर वुड प्लान टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू टेस्ट द अनकॉन्सियस क्लाइंट पेरिफेरल रेस्पॉन्स टू पेन। एक अनकॉन्सियस क्लाइंट है, उसका पेन का पेरिफेरल रेस्पॉन्स टेस्ट करना है, तो उसके लिए वो क्या यूज़ करेगा नर्सिंग ऑफिसर? तो पहला है नील बेड प्रेशर, दूसरा है स्टर्नल रब, तीसरा है ऑर्बिटल जो प्रेशर है उसका आँखों के आसपास और फोर्थ है ऑल अबव। तो इनमें से वो क्या टेस्ट करेगा? इसका आंसर होगा नेल बेड प्रेशर वो चेक करेगा और उससे पता लगेगा कि वो पेन का पेरिफेरल रेस्पॉन्स कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ। अम्बिलिकल कॉर्ड जो नॉर्मली होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहला है दो आर्टरी और एक वेन, दूसरा है दो वेन और एक आर्टरी, तीसरा है दो आर्टरी और दो वेन और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा दो आर्टरी और एक वेन होती हैं किसमें? अम्बिलिकल कॉर्ड में, 2AB, दो आर्टरी और एक वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द शाइनी पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा कम्स आउट फर्स्ट इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। यदि जो बच्चे की डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटा का शाइनी पोर्शन पहले बाहर आ रहा है तो उसको हम कौन सी मैकेनिज्म बोलेंगे? तो पहला ऑप्शन है डंकन, दूसरा है स्कल्ट्स, तीसरा है रिडजेंस और फोर्थ है मरमेड्स। इसका आंसर होगा स्कल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मैटी पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा कम्स आउट फर्स्ट इट कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। यदि मैटी पोर्शन उसका प्लेसेंटा का पहले बाहर आ रहा है तो उसको कौन सी मैकेनिज्म बोलेंगे? तो पहला है डंकन, दूसरा है स्कल्ट्स, तीसरा है रिटिजेंस और फोर्थ है मैरीमेट। तो इसका आंसर होगा डंकन।
यदि मैटी पोर्शन पहले आता है तो डंकन। तो आज हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट एनक्लैक्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स करे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।